नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। अब ग्रामीण इलाकों में लोगों को रात में भी बेहतर इलाज की सुविधा बृहस्पतिवार से मिलने लगेगी। डॉक्टर सीएचसी और पीएचसी पर रात में विश्राम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमल करते हुए सीएमओ ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। वह खुद औचक जाँच करेंगे और जो डॉक्टर अनुपस्थित मिलेंगे उन पर सख्त कार्रवाई तय है। यही नहीं, डॉक्टरों के रात्रि विश्राम की प्रशासन भी रैंडम जाँच कराएगा। आपको बता दें, जिले में 21 सीएचसी व 67 पीएचसी समेत कुल 110 स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें से जिला अस्पताल व 21 सीएचसी पर इमरजेंसी सेवा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि सीएम के निर्देश से सभी चिकित्सकों को अवगत करा दिया गया है। आज से जांच शुरू की जाएगी। अगर कोई डॉक्टर अपने तैनाती स्थल पर नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा, देखिए अभी रविवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक ली थी स्वास्थ्य विभाग की, और विभाग की समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि समस्त चिकित्सकों को निर्देशित कर दें कि रात्रि में अपने तैनाती स्थल पर रह करके वहाँ पर अपनी आकस्मिक सेवाएँ प्रदान करें। इसका निर्देश हमारी तरफ से जारी किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं से लोगों को अवगत करा दिया गया है और उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है, जो लोग वहाँ रात्रि निवास नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितने सीएचसी हैं हमारे यहाँ? 21 हैं।